हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी न्यूज पर। तो एनम छात्रों के लिए हालांकि काफ़ी दिनों बाद नोटिस जारी कर दी गई है और यहां पे हम आपको बताएंगे जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए रेस्ट, जिनका कैटेगरी से अधिकतम मार्क्स था उनका सिलेक्शन क्यों नहीं किया गया, पहले उसको बता दे रहे। फिर वेटिंग लिस्ट आज कितने बजे जारी होगी वो भी आपको बताते हैं। देखो, ये सूचना जारी की गई है, जिनके भी कैटेगरी से अधिकतम मार्क्स थे उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, जिनके भी कट ऑफ से अधिक मार्क्स थे उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन की डेट बाद की डाली थी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट उन्होंने बाद की अगर डाली तो उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि रिजल्ट आप लोगों को दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। जो अपडेट था दोस्तों मैंने आपको बता दिया और सही आरक्षण की मैंने मांग की थी तो उसमें दोस्तों क्या काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, सपोर्ट भी किया था, लेकिन दोस्तों आयोग द्वारा कोई इस पर चर्चा नहीं की जा रही, ना कोई मुद्दा उठाया गया है। ठीक है, हालांकि आप लोग कहते होंगे रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है कि नहीं, ये बात दोस्तों नहीं क्लियर है, लेकिन आप लोग सूचना ये बता दी गई है कि कट ऑफ जिनका अधिकतम मार्क्स है रजिस्ट्रेशन के डेट की बात कर डाला था इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों वेटिंग लिस्ट से इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, हालांकि OBC कट ऑफ 42.5 की थी, अगर आप लोगों के 41 नंबर तक है तो वेटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर 35 में SC है, अगर 34 मार्क्स से एक दो नंबर अगर आपके कम बन रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांस है वेटिंग लिस्ट में। दोस्तों आप वेटिंग लिस्ट आज दोस्तों अचानक कभी भी किसी भी टाइम दोस्तों जारी कर दी जाएगी, हालांकि दोपहर के 2 बजे या 3 बजे के आसपास जारी करने की बात कही गई। जैसे ही आएगी मेरे चैनल द्वारा आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा।